हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट ASP में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 31 अगस्त 2023 आज के दिन एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के IPO लिस्टिंग हो चुकी है। लिस्टिंग एकदम दमदार हो चुकी है, जो कि 190 रुपये के आसपास आज की ओपनिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, क्या है इस कंपनी का आउटलुक, आगे चल के हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो चलिए सुनते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से और जो अनिल सिंह भी सर से। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहिए। अगर आप वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ का आगे के लिए क्या आउटलुक होगा, वो जानते हैं उनके मैनेजमेंट से। आज से बाजार में अपनी पारी की दमदार शुरुआत करने वाली एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज से करने जा रहे हैं मुलाकात। इशू आज ही आया था इस कंपनी का और 22 से 24 अगस्त आज ही लिस्टिंग हुई। इशू की प्राइस 108 रुपये तय की गई थी। आपको पता ही है इस साल का सबसे ज़्यादा भरने वाला ये इशू है, 97 टाइम्स। जो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज है वो आपको पता है कि मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट बनाने का कारोबार करती है। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ कंपनी के MD से। असद दाऊद साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आपने HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स मुंबई से अकाउंटिंग और फाइनेंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अकाउंटिंग और फाइनेंस में मास्टर्स भी किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 12 साल से ज़्यादा का अनुभव असद दाऊद साहब का है। असद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ढेरों बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी दमदार लिस्टिंग पर। सच्ची सच्ची बताइए सर, आपने सोचा था कि इस साल का सबसे ज़्यादा भरने वाला इशू आपका होगा, 97 टाइम्स भरेगा, 70% 80% 50% ऊपर लिस्टिंग होगी, उम्मीद थी उम्मीद से ज़्यादा या उम्मीद के मुताबिक? सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सबसे पहले उन सभी इन्वेस्टर्स का जो धन्यवाद, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रखा और हमारे IPO में रिकॉर्ड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई। और उम्मीद तो देखिए, हमारी तो उम्मीद हमेशा यही रहती है कि कंपनी और आगे तरीके किए ना करे, और हमारे साथ साथ सभी इन्वेस्टर्स ना काफ़ी लॉन्ग टर्म में है ना उनका भला हो, तो वही चाहते हैं हम। और उम्मीद से तो हाँ, डेफिनेटली 97 टाइम्स एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और बस है ना सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमको इसके लिए हमारी कंपनी पे विश्वास रखा और हमको सपोर्ट किया। वो पहले मैच में आके कोई सेंचुरी मार देता तो सर मतलब है ना उसकी फिर तुलना है ना वो कोहली तेंदुलकर से होने लगती है। आप यंग हैं एकदम, और लोगों को आजकल मतलब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स या नेक्स्ट जेन वाले जो बड़े पसंद आते हैं, जाहिर सी बात है इतना भरोसा किया तो जिम्मेदारियाँ भी आपकी बढ़ जाती है। अब आपके इन्वेस्टर्स जिन्होंने IPO में पैसा लगाया है, वो आपकी कंपनी का विजन समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अगले 3 साल 1 साल 5 साल जो भी आपने बनाया हो, क्या विजन है आपका कंपनी को लेकर, कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने सेंचुरी नहीं की थी, तो अभी हम थोड़े ना सेंचुरी से बिछड़ गए, बट होपफुली आने वाले टाइम में हम सेंचुरी भी पार कर देंगे। और हमारे सारे इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कंपनी है वो आगे जिस लेवल पे हमारा ग्रोथ रहा है पिछले 3 साल में, उसी लेवल का ग्रोथ हम लोग ट्राई करेंगे कि और उससे भी और अच्छा परफॉर्म ना करें। उसमें हम नए प्रोडक्ट्स ऐड करने वाले हैं, नए मार्केट्स में जाने वाले हैं, और जैसा कि मैंने ना बताया था पहले भी कि हम लोग इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस को भी देख रहे हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो फॉरेन कंट्री में हो, बिकॉज हमारा 80% सेल्स एक्सपोर्ट से आता है, तो हम लोग फॉरेन में भी देख रहे हैं कि है ना किसी कंपनी को या तो अक्वायर करने का या उनके साथ जॉइंट वेंचर करने का, तो हम लोग काफ़ी अग्रेसिवली जाने वाले हैं। और प्लस जो न्यू इंडस्ट्रीज में भी फोकस करने वाले हैं, जैसे कि सोलर, EV, सैटेलाइट, एरोस्पेस और भी सारी इंडस्ट्रीज, यानी कि आप नए स्पेस नए सेगमेंट्स में भी जाएंगे और एग्रेसिवली भी आप आगे करना चाहते हैं। एक्सपेंशन प्लान इस वक्त कितने चल रहे हैं, वो कब तक कंप्लीट होंगे, और IPO के पैसे से भी अगर आपका और कोई एक्सपेंशन कैपेक्स करने का इरादा है वो भी बताएं।
तो कैपेक्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जो हम लोग हमारे इंटरनल अक्रूवल से कर रहे हैं, उसका जो फर्स्ट फेज़ है वो मार्च 2024 तक फिनिश हो जाएगा, और जो सेकंड फेज़ है वो लगभग मार्च 2025 तक फिनिश हो जाएगा। और जो पूरा हम लोग कैपेक्स कर रहे हैं वो हमारे इंटरनल अक्रूवल से कर रहे हैं, और जो हमारा आईपीओ का यूज़ है उसमें जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग 32 करोड़ रीपेमेंट ऑफ लोन्स में यूज़ करेंगे, 84 करोड़ रुपीज़ वर्किंग कैपिटल में करेंगे, और जो बाकी है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस और आईपीओ इशू एक्सपेंसेस। मार्जिन आपने अच्छे इम्प्रूव किए, 15% से 20% के आसपास ले आए, रीजनेबली क्या मार्जिन मेंटेन रखने की उम्मीद करते हैं? हमारा एम मार्जिन को मेंटेन करना नहीं है, हमारा एम ये है कि हम हमारे मार्जिन को और ग्रो करें। और अगर आप देखेंगे कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ जिसकी पेरेंट कंपनी सेट इंडस्ट्रीज़ है और उसने ऑलरेडी उसका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स अनाउंस कर दिया है, तो आप उसमें अगर एरोफ्लेक्स के भी नंबर्स देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हमारा जो मार्जिन है वो ग्रो हो रहा है। और हमारा एम हमेशा यही रहेगा कि मार्जिन को आने वाले टाइम में भी मेंटेन नहीं करने का, उसको और आगे है ना बढ़ाने का। मार्जिन और इम्प्रूव है, आज आपका दिन है, बड़ी इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में और कंपनी की लाइफ में बड़ा दिन है, लिस्टिंग हुई है। मैं आज आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करूँगा, सिर्फ एंजॉय कीजिए इस दमदार लिस्टिंग को, इस दमदार रेस्पॉन्स को जो इन्वेस्टर्स ने आप पर भरोसा दिखाया। एक बार फिर से अर्जुन साहब आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सो मच। अर्जुन दाऊद साहब बताते हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये थे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज कंपनी के एमडी दाऊद सर जी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, गुड बाय।